हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप सभी अच्छे होंगे। प्यारे प्यारे बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 87 है ये वाली। देखिए नंबर है ना, इसी को लिखिए आप। और इंग्लिश की वर्कशीट है ना बच्चे। अब डेली आपकी वर्कशीट क्लास वाइज आ रही है। क्लास 5th है, मैरीगोल्ड बुक है आपकी। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखना है। यूनिट 7, टॉपसी टर्वी लैंड, ये चल रहा है यूनिट 7। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम टॉपसी, आई लिव इन टॉपसी टर्वी लैंड। तो ये कहती है बच्ची कि मैं टॉपसी हूँ, मैं टॉपसी टर्वी लैंड में रहती हूँ। रीड द पोएम इन योर टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक पर, इसको जो किताब है ना आपकी बुक मैरीगोल्ड, यहाँ से आपको इस पोएम को पढ़ना है, टॉपसी टर्वी लैंड पोएम को। नाउ एनसर्कल द वर्ड्स विद राइम लैंड। राइम क्या होते हैं बच्चे? जो बोलने में और कुछ वर्ड्स पीछे के सेम होते, जैसे लैंड और क्या हो सकता है, स्टैंड, ग्रैंड, टियर तो नहीं होगा, हेड तो नहीं होगा, सैंड, इवन प्लैंड। स्पेलिंग थोड़ी अलग है लेकिन बोलने में वही है, प्लैंड। अप नहीं होगा, हैंड, बैंड, वैंड। तो ये सारे जो हैं इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग मतलब बोलने में सेम हो, प्रोनंसिएशन सेम हो। इमेजन इमेजन सम मोर थिंग्स। टॉपसी टर्वी लैंड के बारे में सोचिए, कुछ क्या लिखेंगे। राइट देम इन सेंटेंस बिलो। यहाँ पे लिखा था ना, आई लिव इन टॉपसी टर्वी लैंड। इन टॉपसी टर्वी लैंड क्या, कुछ सेंटेंस सोचिए क्या लिखेंगे। आई इंजॉय क्या, दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को इंजॉय करती हूँ, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि देखिए चैप्टर को आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं, और ये भी सेंटेंस लिख सकते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड और क्या होगा, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। और क्या लिखते हो, आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, ठीक है, रहता हूँ। आई कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। गो टू पार्क विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ जाती हूँ। तो इस तरह से आप लोग ये बना सकते हैं सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि यही बनाएं, कुछ भी बनाइए, बस आपको छोटी छोटी लाइनें लिखनी है, इमेजिन करके कुछ भी। रीराइट द जंबल सेंटेंस इन प्रॉपर, थर्ड क्वेश्चन है ये, ऑर्डर टू मेक टॉपसी टर्वी जू स्टोरी, ठीक है। तो सेंटेंस बनाना है, सबसे पहले टॉपसी वॉज ट्रेल्ड, एक्साइटेड थी, जू में जा रही थी ना, जू जानते हैं चिड़ियाघर, आप लोग गए हैं कभी बताइएगा कमेंट में। टॉपसी वेंट टू द जू विद हिज हायर हिज मदर। अच्छा ये जेंट्स लड़का है, ये अपने मम्मी के साथ गया था। ही सॉ ब्लू लॉयन। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे बहुत एक्साइटेड था वो, अपनी मम्मी के साथ गया, उसने लॉयन देखा। एट लास्ट उसने पिंक ऑक्टोपस देखा जो कि ट्री के पर बैठा था। देन ही सॉ अ ब्लैक जिराफ विद रेड स्पॉट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, टॉपसी वॉज थ्रिल्ड, एक्साइटेड था। सबसे पहले आप लिख सकते हैं टॉपसी वेंट टू जू विद हिज मदर, तो ये आएगा पहला, ठीक है। ही वॉज थ्रिल्ड, एक्साइटेड था, दूसरा, ठीक है। ही सॉ ब्लू लायन, तीसरा सेंटेंस है। देन ही सॉ ब्लैक जिराफ, और सबसे आखिरी में ही आएगा पांचवा। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को प्रॉपर बनाना है। होप आपको समझ में आया होगा। और ड्रॉ करनी है, इमेजिन करना है जू को, जहाँ पे टॉपसी गया आपको यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। जू का चिड़ियाघर का इमेजिन करके कोई सा भी, देखिए बना भी रखा है, इसी को आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे चाहे तो इस ड्राइंग को बना लीजिएगा। चलिए बाय बच्चों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।